पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरल स्टोरी पर लगे बैन के खिलाफ दायर याचिका को लेकर आज यानी 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल देश से अलग नहीं है। जब देश के अन्य राज्यों में फिल्म शांति पूर्वक चल रही है तो वहां बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर बैन क्यों लगाया गया है? ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों की तरह ही समान है, फिर वहां फिल्म को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। ये मामला कला की स्वतंत्रता के बारे में है। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बता दें, फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में 8 मई को बैन कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य की शांति व्यवस्था बाधित हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को दिए गए आदेश में कहा था कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते दिखे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने को लेकर बंगाल और तमिलनाडु की सरकार से जवाब मांगा है।